तो आज हम बनाने वाले हैं मकर संक्रांति स्पेशल मिक्स भजिया, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही मन करता है ठंडा में कुछ खाने का। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सब सब्जियां लेंगे। इसे देखिए, बराबर बराबर इस तरह टुकड़ों में काट लेंगे हम। यहाँ पर हमने लिया है फूल गोभी, बैंगन, आलू, और यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा बीन्स और थोड़ा सा पत्ता गोभी। आप अपने अनुसार का और भी कोई सब्जियाँ डाल सकते हैं, पर उसका एक बराबर पीस में काटना चाहिए, तभी परफेक्ट बनता है। और यहाँ पर ले लेंगे, देखिए प्याज भी थोड़ा बड़े बड़े साइज का काटा हुआ है, प्याज, हरी मिर्च, और यहाँ अदरक बारीक काट कर हम ले लिए हैं। सबका बारीक बारीक पीस बना लिए हैं टुकड़ों में। अब यहाँ पर डाल देंगे हम बेसन 2 चम्मच, और यहाँ पर डाल रहे हैं हम सूजी। आप सूजी की जगह में चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। और उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पर मसाला, तो यहाँ पर हल्दी पाउडर और जीरा गोलकी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अगर भजिया आपको बराबर अलग अलग में चाहिए तो यहाँ पर अजवाइन भी ले लेंगे हम हाथों से क्रश करके। तो यहाँ भजिया अगर चाहिए आपको अलग अलग, एक साथ नहीं होता है, भजिया का मतलब ही होता है अलग, तो उसके लिए हमें प्रॉपर मिलाने का देखना पड़ेगा कि बेसन और सूजी जो भी है उसका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग सब्जियों में कोटिंग होना चाहिए, तभी परफेक्ट बनता है भजिया। तो इसे हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 चम्मच के लगभग, फिर थोड़ा सा डालेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा तो। इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा बेसन सूजी भी नहीं मिलाना है हमें, बस सारे सब्जियों पर बराबर कोटिंग हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा और लगता है डालना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा कर कर हम डाल सकते हैं, एक ही बार आप ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो उससे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए, फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। तो सिर्फ इसे बेसन और सूजी का कोटिंग होना चाहिए सब्जियों पर, और ज़्यादा पानी भी हम नहीं डालेंगे। देखिए अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है और सब्जी सब बिल्कुल अलग अलग है। और यहाँ पर तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, बिल्कुल हाई गर्म करेंगे इसे। तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए शुरू में, और देखिए इसे हाथों से इस तरह फैलाना बहुत ही ज़रूरी है, एक ही जगह नहीं डालना है, इसे फैला फैला कर थोड़ा सा डालना है। तलने समय भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो बहुत ही अच्छा बनता है ये। और इसके बाद तुरंत ही हमें इसे उलट पलट कर देना है, नहीं तो एक साथ चिपक जाएगा। तो डालने के बाद जैसे ही पूरा डालना होता है उसके बाद इसे तुरंत उलट पलट कर देंगे, और बिल्कुल तेज आंच पे डाले थे, अब गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो तुरंत चलाने से ये अलग अलग हो जाता है सारे सब्जियाँ, तो बहुत ही अच्छी कुरकुरी बनती हैं। आप एक बार इस तरह ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इसे सॉस, चटनी किसी के भी साथ खाइए, ठंडा में बहुत अच्छा लगता है, चाय के साथ खाने में भी। तो देखिए इस तरह एक एक सब्जी बिल्कुल अलग अलग है, ये सटा हुआ नहीं है, और इसी तरह बनता है ये भजिया, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फिर से जो बाकी बचे हुए हैं देखिए उसी तरह हम फैलाएंगे, एक ही जगह नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैला फैला कर। और इसमें ना बेसन ज़्यादा है और ना कम है, बस उतना ही है जितना सब्जियां में बराबर क्वांटिटी से लग सके। तो देखिए कितना कलरफुल अच्छा लग रहा है, बीन्स और बैंगन और गोभी सब सब्जियां जो भी हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, कितना अच्छा कलर आ गया है। देखिए गैस का फ्लेम डालने से मैं हाई रखना है, उसके बाद थोड़ा कम करके और इसे बराबर ब्राउन कर कर सेकना है, गोल्डन ब्राउन, ताकि ये बहुत अच्छी से कुरकुरे हो जाए
और देखिए सारा एक एक अलग अलग है, एक से चिपका हुआ नहीं है। तो बस बन गया हमारा भजिया बहुत ही कम समय में और बहुत ही थोड़ी थोड़ी सब्जियों में बनकर तैयार हो जाती है ये। देखिए एक एक बैंगन उगन दिख रहा है, बैंगन आलू सब दिख रहा है, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनता है ये। तो चाय के साथ आप खाएं शाम में, बहुत ही अच्छा बनता है। आप अपने मन पसंद जो भी सब्जियां हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है फूलगोभी, बैंगन और आलू और प्याज, इन सबको जरूर डालें। मेन वही होता है भजिया का। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चटपटी बनी है ये भुजिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए